कृषि हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जारी है। इस वक्त हम जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां के तमाम स्थानीय लोग हैं। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि यहां पर अधिकांश लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं और किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाह रहे हैं। संतोष कुमार मिश्रा, क्या उनकी खासियत क्या कुछ रही? आप लोगों के सुख दुख में बराबर सहभागी बने रहते हैं। शिक्षा विभाग में उनके कई कॉलेज हैं। ब्राह्मणों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं, जो भी गरीब है उसको भी मुफ्त में शिक्षा देते हैं। ऐसी उनकी व्यक्तित्व है, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के वर्तमान विधायक बीजेपी के विधायक है हरेन्द्र सिंह, उनका कामकाज कैसा रहा? 5 साल में दिखे नहीं। उनका कामकाज आज तक दिखा ही नहीं। 5 साल में दिखे ही नहीं। जहाँ पे रहे वहाँ के ब्राह्मणों का सम्मान है, याद नहीं कुछ किए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये जगदीश राय जो है सुभाषपा से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है उनका, उनका क्या माहौल है और आप लोग किस तरह की तैयारी बना के चल रहे हैं? माहौल कुछ विशेष जाति के लोग उनके साथ में हैं और तो कई बार कई दल बदल चुके हैं, कई बार क्या करना है, यानी समय आने पर पार्टी बदल देते हैं। पार्टी बदल देते हैं। क्या माहौल है भैया, इस बार किसे विधायक बना रहे हैं? हम लोग डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब को विधायक बना रहे हैं, क्योंकि उनके शिक्षा से हम लोग संतुष्ट पूर्ण हैं। शिक्षा हमारे लिए परिपूर्ण है, हमारे लिए शिक्षा अनिवार्य है और हम लोग मेयर साहब राजा साहब को चुनाव जिताएंगे और उनके साथ सदैव दिन प्रतिदिन रात दिन भर दौड़ रहे हैं और राजा साहब विधायक इस बार बनेंगे। एक चीज ये बताइए, यहाँ के विधायक हरेंद्र सिंह का कामकाज कैसा रहा? हरेंद्र सिंह का विधायक का कार्यक्रम ऐसा रहा कि 5 साल में कभी ब्राह्मणों का यहाँ नहीं आए और 727 इनकाउंटर का ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ, क्योंकि ब्राह्मण ही अपराध के क्षेत्र में आ गए। यादव बिरादरी नहीं है और चमार बिरादरी नहीं है, हरिजन बिरादरी नहीं है, अन्य बिरादरी है, सिर्फ भेदभाव किया गया, भेदभाव किया गया ब्राह्मणों के साथ। 727 इनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ है भाजपा सरकार में। हम लोग भाजपा के साथ नहीं है, हम लोग डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा के साथ है, राजा साहब के साथ है। क्या है इस बार का माहौल, क्या किसे विधायक बना रहे हैं? डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा को बना रहे हैं। अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, सरल स्वभाव के हैं और हर सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति हैं। और यहाँ के विधायक हरेंद्र सिंह, उनका कामकाज कैसा रहा? उनकी बिरादरी उनकी खुद साथ नहीं दे रही तो हम लोग कहाँ से देंगे? ब्राह्मणों की कोई बिरादरी ही नहीं है। काम किए हैं कुछ यहाँ? कुछ नहीं किए। आप जिस रोड से आए होंगे आप देख ले होंगे कितना काम हुआ इस गांव में। माला सचिनाथ त्रिपाठी जो सपा गवर्नमेंट विधायक थे उन्हीं की देन थी, रोड बनी और माननीय मिश्रा जब से आने लगे पेंटिंग हो गई। नहीं, आज पहले पेंटिंग वेंटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई थी। माननीय मिश्रा जी यहाँ से विधायक हो रहे हैं, कोई रोक नहीं पाए। 2000 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं कॉलेज में। विधायक जो है आप लोगों के साथ भेदभाव किए हैं? भेदभाव नहीं, केवल बिरादरी बात की और कुछ नहीं किए। 2000 बच्चे कार्यक्रम में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, निःशुल्क खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हर घर में 2 गोल कर दिए हैं, हर घर में भिड़ाने काम किए हैं और कुछ काम नहीं किए। यही माननीय विधायक जी के काम है। और क्या विधायक का क्या माहौल है भैया, इस बार किसे विधायक बना रहे हैं? राजा साहब का माहौल है, बहुत भारी मतों से विजय करेंगे जी। और यहाँ के विधायक ने कैसा कामकाज किया है हरेंद्र सिंह? यहाँ के विधायक से सब लोग नाराज हैं, यहाँ के विधायक कुछ भी काम नहीं किए हैं, सब लोग का वोट लेकर कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ झगड़ा कराए हैं, भाई भाई में विवाद कराए हैं, जमीन का मामला हो या खेत का मामला हो। काम के लिए क्षेत्र में से जानता है, जनता बोलते हैं कि आप मुझे वोट नहीं दिए, आप पार्टी को वोट किए हैं, आप पार्टी से। मैं आपको बता दूं, एक ब्राह्मण जी गए, उन बीजेपी के प्योर आरएसएस के रहने वाले थे, गए हैंडपंप मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप तो सचिनाथ त्रिपाठी को या संजीव उपाध्याय को वोट किए होंगे, आपको हैंडपंप नहीं मिलेगा। निराश होकर बेचारे रोने लगे, आरएसएस कर करता थे। ये विधायक जी का काम है, आप बताइए अब इसका क्या, हम लोग क्या बोल। पूरे यादव बस्ती उनके साथ है, मेरा नाम राजकुमार यादव, पूरा यादव समाज उनके साथ खड़ा है, इसमें हरजन बिरादरी पूरा साथ। यादव समाज तो कहीं कहीं देखा जाता है तो मेनली जो है सपा के वोटर्स होते हैं, फिर ऐसी सपा प्रत्याशी से दूरी क्यों लोगों ने बनाई? उनके काम के वजह से, काम के वजह से लोग नाराज हैं। राजा साहब अपने जिस थाली में वो खाए, उस थाली में छेद किए है, 3 बार बसपा से मंत्री बने, विधायक बने और 4थी बार दल बदल के फिर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से आके फिर दल बदल के सपा में ज्वाइन किए। तीसरे पर रहेंगे, वो हमेशा तीसरे पर रहेंगे। क्या माहौल है इस बार, किसे विधायक बना रहे हैं? राजा साहब को। और यहाँ के विधायक ने कैसा कामकाज किया है? यहाँ के विधायक तो कभी यहाँ पर आए ही नहीं। हम लोग वोट मांगने आए? नहीं नहीं आए, अभी भी नहीं आए। आए होंगे लेकिन हमसे मुलाकात नहीं हुई। कुछ काम किए आप लोगों के लिए? कोई काम नहीं किए, 5 साल में दिखाई नहीं पड़े, काम क्या करेंगे। इस बार आप लोग पूरी तरह चाह रहे हैं बदलाव हो जाए? एकदम बदलाव। भरोसे पर ले रहे हैं किसे? राजा साहब को।
चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। किसे विधायक बना रहे भैया? राजा साहब को। क्या कुछ खासियत क्या कुछ है? राजा साहब ब्राह्मण है और गरीबों के लिए मसीहा है। मसीहा है, सही। जो इनके कॉलेज है उनको उनके यहाँ मतलब कोई जातवाद नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो यादव हो क्षत्रिय हो कोई भी हो, उनके यहाँ सबको निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और 2000 बच्चे कार्यक्रम में 2000 बच्चे निःशुल्क शिक्षा में पढ़ रहे हैं। वो आते जाते हैं, सबके दुख सुख में साथ मतलब रहते हैं। जी बनाएंगे और यहाँ से राजा साहब ही विजय होंगे। जय भगवान परशुराम। राजा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहाँ के विधायक ने कैसे काम काज किया? अरे कबूल दर्शन लेना बस काम काज करते नहीं हो। मतलब आप लोगों से पूरी तरह दूरी बना के रखी है? अरे अजब ना करना, पाँच साल में पाँच साल के अंदर एक दिन आएगा उतने गाँव में। बाबा चचा की बात हो, हम लोग तो मान लो युवा पीढ़ी, एक दिन आएंगे, एक दिन अजब ना करें। ये पाँच साल की बात है। किसे विधायक बना रहे हैं इस बार? राजा साहब को। क्यों, खासियत क्या कुछ है? ये हमेशा सुख दुख में भागीदार रहते हैं, आते जाते हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं हरेंद्र सिंह, बीजेपी से विधायक, उनका कामकाज कैसा रहा? उनका तो कामकाज बिल्कुल गड़बड़ था, कभी को दिखाई नहीं पड़े क्षेत्र में। इसलिए आप लोगों ने मन बना लिया बदलाव के लिए? हाँ राजा साहब। और यहाँ के विधायक जी की अगर बात करें तो उनका कामकाज कैसा रहा? हमारे जो कभी नहीं हुए इन्वॉल्व, यहाँ तक कि इस बार भी चुनाव में यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, जबकि हमारा चुनाव अभी 4-5 दिन और रह गया है, अभी तक इस यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। चलिए एक और हमारे साथ हमारे युवा साथी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या भैया वोटर है आप? वोटर नहीं तो घर वालों को इस बार किसे सपोर्ट कर रहे हैं? राजा साहब। क्या खासियत क्या कुछ है? देखिए वो आते थे यहाँ पर, लोगों की परवाह करते हैं इसलिए। और यहाँ के जो विधायक जी हैं हरेंद्र सिंह जी, बीजेपी जी से विधायक, वो कुछ नहीं किए हैं यहाँ की, जातिवाद किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जातिवाद किए हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो है बड़ा वर्ग जो है कहीं ना कहीं बीएसपी के कैंडिडेट राजा साहब डॉक्टर संतोष मिश्रा के ऊपर भरोसा जता रहा है, जिसके पीछे की वजह यह है कि लगातार वो लोगों के सुख दुख में शरीक हुए हैं, जनता की मूलभूत समस्याओं को उन्होंने समझा है, जिसके पीछे तमाम लोगों की सहानुभूति उनके साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ के बीजेपी से जो विधायक है हरेंद्र सिंह जी, उन्होंने पूरी तरह से लोगों से दूरी बनाकर रखी है, जिसके चलते लोग उनसे काफ़ी नाराज हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ।